गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द ऐप डेवलपमेंट दैट इज योर चैप्टर नंबर 9. ओके, सो अभी मैं हम लोग बात करने वाले हैं जिस एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट के बारे में. आई थिंक वी हैव एंड यू हैव ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट एंड यू आर फैमिलियर विद दैट. किसे एप्लीकेशन नहीं पता और कौन एप्लीकेशंस के बारे में नहीं जानता. आज की डेट में अगर कोई एप्लीकेशन नहीं यूज़ करता, इसका मतलब वो टोटली इस वर्ल्ड से अवेयर नहीं है, इस जनरेशन से अवेयर नहीं है. ओके, सो हम लोग यहाँ पर आज प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशंस होते क्या हैं. एप्लीकेशंस आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोज हैव टू मेक योर लाइफ ईजी. आजकल प्ले स्टोर, जैसे मोबाइल फ़ोन सब लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर. गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा कोई टास्क नहीं है जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको एप्लीकेशंस ना मिले. जस्ट एज लाइक अगर आपको गेम खेलना है, गेमिंग ऐप्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद द सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, सोशल वर्क, देन यू हैव टू कनेक्ट विद द फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो वहाँ पर पड़े हुए हैं. अगर आप बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर किसी एजुकेशन ऐप से, तो बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स पड़े हुए हैं, जस्ट एज लाइक टीचमेंट है और बायजूज है. बहुत सारे एप्लीकेशन है जो एजुकेशन से रिलेटेड है. सो नाउ इन दीज डेज वी आर सराउंडेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन. टुडे आई विल कैटेगराइज द एप्लीकेशन इन 3 पार्ट्स एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू बाय द प्रॉपर कैटेगरी वाइज. Those are categorized in 3 parts. First is the desktop apps, mobile application apps and web apps. Okay, तो पहले हम बात करते हैं desktop apps की. Desktop, laptop, if you are using desktop or laptop, then you have to using different type of apps जिन्हें properly, अगर internet connection ना भी हो तो वो work करते हैं properly. As like, जैसे मान लो आपको word processor apps हैं. Word processor app as like MS Word है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोट पैड और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वर्क करते हैं, जो विदाउट इंटरनेट वर्क करते हैं और उस पर आप इजीली वर्क करते हो. एज लाइक अगर आप एमएस वर्ड की बात करते हो तो कितना यूजफुल सॉफ्टवेयर है. बाय यूजिंग एमएस वर्ड आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, उसकी डिजाइनिंग कर सकते हो, उसमें प्रॉपरली एडिटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो. Easily आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो बाय थ्रू द एमएस वर्ड. ये कैसा एप्लीकेशन है? ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है. बाय थ्रू दैट यू कैन ईजली क्रिएट एन डॉक्यूमेंट. सेम एज एक स्प्रेडशीट, जो एक्सेल में स्प्रेडशीट आता है, आप चाहो तो स्प्रेडशीट प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हो, प्रॉपरली उसमें बिलिंग कर सकते हो, प्रॉपरली उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, ईजली कर सकते हो. इट मीन्स कि दीज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मेक योर लाइफ ईजी. जो आप एक डेस्कटॉप पर यूज़ करते हो, सिंपली दोज एप्लीकेशन यू हैव टू वर्क विथ डेस्कटॉप और लैपटॉप. दोज आर द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एप्लीकेशन नॉर्मली. बहर फिर हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की. वेब एप्लीकेशन आर वर्किंग विद द इंटरनेट, यानी कि विदाउट इंटरनेट दे कांट एबल टू डू द वर्क. इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट चाहिए किसके लिए? वेब एप्लीकेशंस के लिए. अब वेब एप्लीकेशन मैं बात करूं जो टोटली नेटवर्क के थ्रू वर्क करते हैं. फर्स्टली अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप की, विदाउट इंटरनेट ये वर्क नहीं करता. विदाउट फेसबुक, विदाउट इंटरनेट वर्क नहीं करता. इंस्टाग्राम विदाउट नेटवर्क ये, विदाउट इंटरनेट ये वर्क नहीं करता. और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैं बात करूँ ट्विटर की. ट्विटर इज ऑल्सो अ वेब एप्लीकेशन जो वेब के साथ वर्क करता है, इंटरनेट के साथ वर्क करता है. देन दीज आर द एग्जाम्पल्स इन अ सिंपल एंड ईजी वे. वेन एनी एप्लीकेशन इज कांट वर्क विदाउट इंटरनेट, वो ऐप वेब एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के थ्रू ही वर्क करते हैं, इंटरनेट के साथ ही वर्क करते हैं. अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन की. मोबाइल एप्लीकेशन इट मीन्स प्ले स्टोर ओपन करिए और आप टोटली ऐप्स की, एप्स के वर्ल्ड में एंटर कर जाइए. एक सिंपल सा मतलब है, सबके सिस्टम में, इन एवरी सिस्टम गूगल प्ले स्टोर इज अवेलेबल ऑन देयर. आपको सीधा सीधा जीमेल से लिंक करना होता है और गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आप
किसी भी टाइप के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एज लाइक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बाय थ्रू दैट आप किसी भी फोटो को उसकी लाइटनिंग को, पहले क्या होता था, पहले था फोटोशॉप था, अभी भी फोटोशॉप है, ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप अभी नहीं है, लेकिन आजकल मोबाइल के ऐप्स के थ्रू भी आप किसी भी फोटो की टोटली क्वालिटी चेंज कर सकते हो। यू कैन एबल टू चेंज द टोटल क्वालिटी ऑफ द फोटो, गोरे को काला कर सकते हो, काले को गोरा कर सकते हो, या एनी टाइप ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ट्विटर है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है। ऑफिस साइट, बहुत सारे एमएस ऑफिस, जैसे मान लो आप WPS ऑफिस डाउनलोड करते हो बाय थ्रू द इंटरनेट, एंड वहां पे फिर आप एमएस वर्ड पे भी वर्क कर सकते हो, फिर आप एक्सेल पे भी वर्क कर सकते हो, पावर पॉइंट पे भी वर्क कर सकते हो। इट मीन्स मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू आप एमएस वर्ड भी यूज कर सकते हो, नॉट ओनली ऑन द सिस्टम, आप विदाउट सिस्टम यानी कि मोबाइल पे भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। गेम्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन easily download different type of games। I think मुझे games के बारे में आपको नहीं बताना कि कौन कौन से games, लेकिन आप पक्का आप name से ही पता चल जाता है कि games मतलब खेलने का और उस पर entertainment का एक part है। आप चाहो तो कोई भी game download करो by through the Play Store, और वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ games होते हैं जो offline mode पर work करते हैं, कुछ online mode पर work करते हैं, कुछ internet के साथ work करते हैं, कुछ without internet work करते हैं। तो ये डिपेंड करता है द क्वालिटी ऑफ द गेम, विच गेम यू हैव टू डाउनलोड इन योर सिस्टम, विच गेम यू हैव टू डाउनलोड इन योर फोन, सेलफोन, और वो डिपेंड करता है। मीडिया प्लेयर, बहुत सारे मीडिया प्लेयर ऑप्शन आते हैं, जैसे एज लाइक VLC मीडिया प्लेयर, डेस्कटॉप लैपटॉप में मैक्सिमम यूज होता है, आपके लैप अगर आपका मोबाइल है। बहुत सारे म्यूजिक एप्लीकेशंस आते हैं, लाइक JioSaavn Pro, Wink Music, हंगामा म्यूजिक, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जो एंटरटेनमेंट के हैं, and you have to download that and you have to enter in the entertainment world। आप चाहो तो use कर सकते हो, उस पर work कर सकते हो। Maps, Google Maps are available on the Play Store। When you want to connected with the map and you want to connect with the world, then you have to use the map application on the internet। So these are the category of the applications। First is the desktop application, mobile application, web application। These are the category of the application you have to use and you have to make your life easy। Applications के बारे में अगर आपको और knowledge चाहिए, मैं अपनी next video में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, mobile applications की category बताऊँगा। So firstly, watch my today's video clip very carefully। After watching the video, if you have any doubt, you can ask to me। Okay, thank you very much।